उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मोबाइल टूटने पर नाराज पिता ने अपने बेटे पर ही गोली चला दी। पिता ने दो फायर किए, एक गोली सीधे उसके सीने में और दूसरी उसके गर्दन में लगी। बेटे को तड़पता देखकर पिता मौके से फरार हो गया। परिजन बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचते उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोपी पिता की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। घटना मंगलवार दोपहर 1:30 बजे की बताई जा रही है। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल में अवमानना मामले में ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर SC ने अंतरिम रोक लगाई है। अब मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत मंजूर हो गई है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने 5 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खान के खिलाफ 88 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 87 में उन्हें जमानत मिल गई है। वहीं आजम को जमानत मिलने पर मुकदमे में गवाह रहे आकाश सक्सेना का कहना है कि सपा नेता को अभी सिर्फ बेल मिली है, वह बरी नहीं हुए हैं। वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। BJP के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। ज्वालागढ़ स्थित महाराणा प्रताप चौक पर सोमवार शाम एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की तरह अब 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद ध्वस्त किया जाएगा। संगीत सोम ने कहा कि मुसलमान आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद को खड़ा किया था, उसे वापस लेने का समय आ गया है। तो देखेंगे, वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं क्या, जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं कि 92 में हुआ वो 22 में होगा। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के मैकेनिकल अफसरों ने लखनऊ मेल के 3rd AC कोच में 2 सीटों पर शिशुओं के लिए अतिरिक्त बर्थ का प्रावधान किया है। इसको लेकर अधिकारी खासे उत्साहित हैं। मंगलवार को पहली बार यह कोच दिल्ली से लखनऊ पहुंचा। इस बर्थ के आवंटन के लिए क्रिस जल्द ही सॉफ्टवेयर में प्रावधान करेगा, जिससे आरक्षण के समय शिशुओं के साथ सफर करने वाली 2 महिलाओं के PNR बर्थ पर बर्थ का आवंटन किया जा सके।